पे ये मौसी का बाल नोच रही है। यहाँ पे धुला हो गया है, मतलब धुल गया है ये वाला। इतना स्पीड काटती है ये छुरी का, इसको जरूरत ही नहीं है। एंड हम लोग बहुत ज्यादा रोए भी है, सूखले में कुछ किए भी नहीं हम। गोदी में उठाते ही हो जाती है चुप, जब तक गोदी में ना ले तो बहुत रोती है। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रितिका अमित व्लॉग में। तो आज हमारा व्लॉग होने वाला है मटन रेसिपी। तो आप भी सोच रहे होंगे मटन रेसिपी क्या है, नॉर्मल सा है, पर आज का वीडियो नॉर्मल सा नहीं है, बिकॉज आज मेरी जो रेसिपी है मटन का वो मेरी बहन बनाने वाली है। और ये बोली कि दीदी जैसे मटन आया तो ये बोली दीदी मैं बनाऊंगी, तो मैं बोली ठीक है तू बना, मैं इसी चक्कर में मैं व्लॉग भी बना लूंगी एंड सब कोई देख भी पाएगा कि तेरा कैसा मटन होता है और तू कैसा खाना बनाती है। हाँ, इस बोल के तो चलिए आज हम देखेंगे ए टू जेड करने वाली है रानी, मतलब प्याज भी काटेगी यही, मसाला भी पीसेगी यही और बनाएगी भी यही। ठीक है, मैं कुछ हेल्प नहीं करने वाली हूँ, मैं सिर्फ आज खाने वाली हूँ। मैं पहले नहीं नहीं करूंगी, थोड़ा थोड़ा करूंगी हाँ। लेकिन ये बोले कि दीदी व्लॉग बना रही थी ए टू जेड मैं ही करूंगी, और मैं भी बोली कि चल ठीक है तू ही कर, ऐसे भी यही करती है ए टू जेड जो भी मटन करता है, क्योंकि इसको मटन बनाना बहुत अच्छा लगता है और कुछ नहीं, लेकिन मटन बनाना इसका फेवरेट है। वो तो अंदरूनी क्या और नहीं है पता नहीं। तो सो बहुत ज्यादा हम लोग बकवास कर लिए, चलिए फटाफट चलते हैं एंड देखते हैं मटन रेसिपी जो कि मेरी बहन बनाएगी। यस, सो यहाँ पे मीट आप देख ही सक रहे हैं कितना ज्यादा ताजा है, एकदम अभी अभी कटवा के आया है मीट एंड बहुत ही मस्त है। यहाँ पे है तेल, किस किस को तेल पसंद है खाना, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। सो हियर इज मटन, यहाँ पे धुला हो गया है, मतलब धुल गया है ये वाला चीज, और देख सकते कितना अच्छा से भी धुलाया हुआ है, और मीट को ऐसे भी ज्यादा नहीं धोना होता है एंड मीट बहुत अच्छा पीस है। और पता है क्या, जगह जगह के अनुसार का भी मीट होता है, बहुत जगह का अच्छा मीट होता है, बहुत जगह का उतना अच्छा नहीं होता, हमको यहाँ का मीट बहुत मस्त लगता है। तो चलिए अब मीट धुला गया है, अब काटेंगे प्याज और चलिए अब फटाफट बनाते हैं। यहाँ पे ये मौसी का बाल नोच रही है, और बाबू छोड़ दिए हो गया। यहाँ पे मेरी बहन एकदम देसी तरीके से प्याज काटते हुए आपको दिखाते हैं जूम करके, इतना स्पीड काटती है ये छुरी का, इसको जरूरत ही नहीं है। वैसे भी छुरी ज्यादा स्टैंडर्ड लोग हो जाता है आदमी तो वो काटता है, देसी लोग ऐसे ही काटते हैं जैसे मेरी बहन काट रही है। बोलूं तो गाइज मुझे भी नहीं आता था छुरी से काटना, मैं भी फसूल से ही काटती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड के बदौलत मैं छुरी से काटना सीख गई, क्योंकि वो मुझे बीबू एक क्लास का बात बता दू बोलो ना, बोलो हाँ मम्मी बता दो, बापरे बाप पूरा प्याज लग रहा है, मम्मी बता दो ना मम्मी। तो आप लोग एक राज का बात बताते हैं कि ना मम्मी से भी ज्यादा अच्छा मटन रानी बनाती है, वो रानी बहुत ज्यादा टेस्टी, रानी का मटन में ना सेंट रहता है, सेंट ना इस सेंट से ही आदमी लगा बापरे बाप। फासूल से देखिए कितना अच्छे से प्याज काटी है, एकदम धड़ाधड़ छटाछट पटापट। यहाँ पे देखिए कितना मस्त लग रहा है, ज़ूम करके आपको दिखाती हूँ। सो चलिए हमारा हो गया प्याज, अब हम लोग फटाफट बनाएंगे। एंड हम लोग बहुत ज़्यादा रोए भी है, सूखले में कुछ किए भी नहीं हम, तो भी बहुत ज़्यादा रोए। यहाँ पे यही फायदा है कि ये बनाने वाली है ना। अबे फोरन का सामान भी रखा चुका है, यहाँ देख सकते प्लेट में जीरा है, सुखल मिर्चा है, और उसके बाद में तेज पत्ता है एंड यहाँ पे है प्याज, और यहाँ पे कौआ बहुत काय काय कर रहा है। यहाँ पे प्याज है, अब फोरन डाल रही है फटाफट। हमारी वीडियो को पूरा देखिए तब आपको समझ में आएगा, रखा चुका है, अब रानी भूजेगी यहाँ पे अच्छे से प्याज को खिलाएगी, क्या करेगी अब उसको दो मिनट रखे फिर हम लोग मटन रखेंगे। तो ये डाल रही है मीट, और मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कौआ है इसलिए काय काय कर रहा है। क्या करेगी अब इसको दो मिनट रखे फिर हम लोग इसमें हल्दी और नमक रखेंगे। बेटी को टेंशन नहीं दे रहे थे, ये रो रही है, इसको टेंशन चाहिए ना। अब यहाँ पे पड़ेगा हल्दी, तो यहाँ पे दो चम्मच डाल दिए, ये नमक
यहाँ पे फिर अच्छे से चला ले रही है मटर। यहाँ पे डालेगी लहसुन, दो ठो लहसुन, उसके बाद में मिर्ची इतना साड़ा, एंड यहाँ पे हम लोग तीखा लाल वाला जो कलरफुल मिर्ची यूज नहीं करने वाले हैं, बहुत नेचुरल रहने वाले हैं, ये मेरी बहन का प्रोसेस है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से कलर आ गया है। यहाँ पे मसाला सब कुछ रखा चुका है, आप बताइए रानी की क्या क्या डालिए। तो यहाँ पे है आदी, लहसुन, जीरा, इलायची और ये गोटा गरम मसाला, लौंग, बस यही है। और हम लोग अब सूखा मिर्ची रखेंगे इसमें, क्योंकि हम लोग वो पाउडर वाला नहीं रखेंगे, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा ही वो होता है, गैस वैस भी हो जाता है, इसलिए हम लोग थोड़ा नेचुरल टाइप का बनाएंगे। यहाँ पे सारा मसाला का आइटम रखा चुका है, अब इसे हम लोग मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो गाइज यहाँ पे हो गया एक दिक्कत, क्योंकि लाइट ही चला गया और उसके बाद मसाला कैसे पीसे, तो हम लोग थोड़ा वेट कर रहे हैं कि लाइट फटाफट आ जाए, ऐसे ज्यादा देर लाइट के यहाँ पे कटता नहीं है। तो लाइन जब तक आता नहीं है तब तक मैं अपना बेटू को थोड़ा खिला लेती हूँ, मैं बेटू को खिला लेती हूँ, है ना बेटू? बेटू का मुंह में लिपस्टिक लग गया मेरे से, है ना? ओए बोल दो गाइज, मम्मी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज प्लीज। तो यहाँ पे देखिए अब मिक्स ये मसाला रख रही है, और यहाँ पे मीट भी देख रहे हैं कितने अच्छे से सीज गया है प्याज में ही। यहाँ पे रानी दिखा ना मिर्च, ये वाह, तो प्याज भी बहुत अच्छे से गल चुका है, देख ही सकते हैं। एंड अब हम इसे थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा पकने देंगे। गोटी में उठाते ही हो जाती है चुप, जब तक गोटी में ना ले तो ये बहुत रोती है, है ना? कलर मीट का गाइस, यहाँ पे मीट अच्छे से पक चुका है, यहाँ पे देख ही सकते हैं और कितना अच्छा कलर है, और इसमें कोई भी मिर्ची पाउडर भी नहीं है, बहुत ही अच्छा है। वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। एंड अब खा के देखते हैं कैसा बना है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा कलर है और इतना अच्छा इसका अरोमा आ रहा है ना, वाओ, मन कर रहा है कि सारा खा सकते। सो गाइस फाइनली बन गया है मटन, और ये मटन बनाई है मेरी बहन, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है, खा के तो बहुत मज़ा ही आ गया था, दिल खुश हो गया। एंड बहुत ही नेचुरल वे में बनाई है, कुछ भी पाउडर वगैरह जो मसाला होता है ना पाउडर का, कुछ भी यूज़ नहीं की है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा, सच में जेन्युइन फीडबैक दे रही हूँ, मज़ा आ गया। तो गाइस आज का यही मेरा वीडियो था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरी बहन मटन कैसा बनाई वो, उसके लिए भी लाइक शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल पर ढेर सारा प्यार दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और मटन कैसा लग रहा है देखने में वो भी बताइएगा। चलिए अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते, प्रणाम।